हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फेल जस्टिफाई क्या होता है। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। अभी जब यूज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस सेल में हेलो फ्रेंड्स टाइप किया हुआ है, दूसरे सेल में टाइप किया है हाउ आर, और तीसरे सेल में टाइप किया है यू। अब अगर हम चाहते हैं कि बिना फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हुए ये सब जितना तीनों है वो एक ही सेल में आ जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फेल जस्टिफाई ऑप्शन का। ठीक है। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है? सिंपल, इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। इस्तेमाल करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके कॉलम की जो चौड़ाई है वो इसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर चौड़ाई आप कम कर देंगे तो ये कुछ अलग तरीके से दिखाएगा। अभी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल इसकी चौड़ाई जो है हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए, चौड़ाई हम इसको थोड़ी सी ज्यादा ही रख लेते हैं ताकि ये एक ही सेल में आ जाए। ठीक है। ये हमने कॉलम की चौड़ाई बढ़ा ली। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब पर। ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में चलिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फिल का। ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देखिए जस्टिफाई का ऑप्शन है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए तीनों एक सेल में आ गया। अब मान लीजिए कि अगर मैंने कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम रखी होती, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, उसके बाद जब मैं फिल का इस्तेमाल करूंगा तो देखिए क्या होता है। मैंने फिल पे क्लिक किया, उसके बाद जस्टिफाई पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये दो ही कॉलम में आ रहा है। तो इसलिए कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा।